कमोडिटी मार्केट से जुड़ी हर खबर सिर्फ न्यूज मार्केट्स 24 पर, खबर काम की। नमस्कार दोस्तों, न्यूज मार्केट 24 चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। रोजाना के तरीके में अजय सिंह आप लोगों के साथ उपस्थित हूँ खाद तेल बाजारों की जानकारी के साथ। खाद तेल बाजारों में किस तरीके से कामकाज हो रहा है, जिसके अंतर्गत हम खाद तेल बाजारों में सोया ऑयल, पामोलिन, राइस ब्रैन ऑयल, साथ ही साथ चने के बाजार में क्या स्थिति है, सरसों के बाजारों में क्या स्थिति है, सारी जानकारी विस्तार से देंगे। तो जो लोग भी पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं, ताकि इसी तरीके की महत्वपूर्ण जानकारी आपके मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो बात करते हैं, सबसे पहले अगर बात करेंगे किस तरीके से बाजारों में कामकाज होता हुआ नजर आया है, तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं कि मार्केट पर जो ओवरऑल आउटलुक है बाजार में, अगर आप देखेंगे कि बाजारों में जो स्थिति देखी जा रही है, खाद तेल बाजारों में जो KLC में गिरावट आई उसका असर थोड़ा बहुत देखने के मिला, जबकि राइस ब्रैन ऑयल में बाजारों में ज़्यादा स्थिति खराब होती हुई नजर आई। राइस ब्रैन ऑयल का बाजार 90 से 91 रुपए हो गया, सोया ऑयल का बाजार 98 रुपए, पामोलिन का बाजार 92 रुपए रहा। जबकि आप देखेंगे आप अगर हम बात करेंगे कांडला में, तो कांडला में 890 रुपए पामोलिन का भाव, 950 रुपए, 935 रुपए सोया ऑयल का बाजार, 950 रुपए सनफ्लावर ऑयल का बाजार होता हुआ नजर आया। तो बाजारों में आप देख के चल सकते हैं बाजारों में एक नरमी के साथ ही बाजारों में कामकाज बाजारों में देखा गया। अगर हम बात कर लेते हैं विदेशी बाजारों में, तो विदेशी बाजारों में एक दिन पहले ओपेक ने जो प्रोडक्शन बढ़ाया था उसका असर देखने को मिला। KLC में गिरावट आई, 175 सेंट की गिरावट आई, 52 सेंट की कल बाजारों में सीबॉट पे गिरावट देखी गई। लेकिन आज के बाजारों में आप देख के चल सकते हैं जो आज के बाजारों की जो स्थिति दिखाई दे रही है, 33 रिंगिट प्लस KLC में कामकाज होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके हिसाब से आप बाजारों में पॉजिटिविटी के साथ आप बाजारों में कामकाज करके चल सकते हैं, उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बना के आप बाजार में चल सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा बाजारों में पैनिक करने की जरूरत नहीं है आपको। जैसे कि मॉर्निंग में बाजार खुलने से पहले मार्केट का ट्रेंड व्यू जानना है, तो आप मॉर्निंग सेशन में आप हमारा आउटलुक सेशन ज्वाइन कर सकते हैं, उसके हिसाब से आप बाजारों में अपनी रणनीति बना के कामकाज करके चल सकते हैं। उसके हिसाब से आप अपनी रणनीति बनाइए और बाजारों में कामकाज करके चलेंगे तो बेटर रहेगा। अब बात कर लेते हैं क्या स्थिति बाजारों में देखी जा रही है मस्टर्ड ऑयल में। मस्टर्ड ऑयल में भी आप 17 से 18 रुपए, जबकि जयपुर लाइन का बाजार 115 रुपए के आसपास हुआ बाजारों में। हाफड में लगातार सरसों में बिकवाली का असर बाजारों में देखने के लिए मिला और बाजारों में नरमी के साथ कामकाज हुआ। तो बाजारों में थोड़ा बहुत बाजार में कहीं पर गिरावट आए, वहां पर गिरावट पर खरीदारी करेंगे तो बेटर रहेगा। अगर हम चने बाजार की बात करेंगे, तो चने बाजारों में 7050 रुपए चने बाजार में नरमी देखी जा रही है, 7350 पे चने में बिकवाली की सलाह दी थी। गेहूं लिखा 2585 में भाव चल रहा है। सुगर बाजार में हल्की फुल्की मामूली बढ़त के साथ सुगर बाजार में कामकाज आपको देखने को मिल रहा है, जबकि आप सुगर बाजार के साथ साथ आप अगर देखेंगे सुगर बाजार के साथ साथ आप अगर दालों की बात करें, तो अरहर बाजार में हल्का फुल्का करेक्शन आता है, वहां पर आप खरीदारी करेंगे तो वो बेटर आपका लेवल रहेगा। बाकी आप आज के अगर सपोर्ट की, अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे, तो सपोर्ट पे नीचे में आप देखेंगे 97 रुपए का सपोर्ट सोया ऑयल का, ऊपर में रेजिस्टेंस 99 से 100 रुपए का, पामोलिन का सपोर्ट का लेवल 90 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल 92 से 93 रुपए, राइस ब्रैन का सपोर्ट का लेवल 88 से 89 रुपए, रेजिस्टेंस का लेवल आप देख के चल सकते हैं, रेजिस्टेंस का लेवल आप 92 रुपए देख के चल सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बात कर लेते हैं क्या स्थिति हमारे अब बनती हुई बाजारों में नजर आ रही है, बाजारों में क्या स्थिति हमारे और मार्केट पे क्या स्थिति बाजारों में बनती हुई नजर आ रही है। अगर हम देखें तो मस्टर्ड सीड में सपोर्ट का लेवल 5800 रुपए का सपोर्ट का लेवल नीचे में है, और ऊपर में रेजिस्टेंस का लेवल 6100 से 6200 रुपए, जबकि आप देखेंगे सोयाबीन सीड में 4600 रुपए का सपोर्ट, रेजिस्टेंस का लेवल 4800 रुपए। ओवरऑल आउटलुक पे दिया बता दिया आपको किस तरीके से आप बाजारों में कामकाज करना है। अगर खबर में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। फिर मुलाकात करेंगे आप लोगों से नई खबर के साथ। तब तक आप लोग इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मुनाफा कमाते रहिए, कम से कम नुकसान करिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।